हरे कृष्णा। आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने राधा रानी ने किस तरह से इनका श्रृंगार करवाया था वो देखा, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कान्हा जी ने किस तरह से उनका राजस्थानी लुक में श्रृंगार करवाया है। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी के श्री विग्रह को अच्छे से कॉटन के कपड़े से उनको साफ़ कर दिया है, और उसके बाद में मैंने उनको ये पैंट पजामे पहना दी है, और उसके बाद ये उनको हम कुर्ता धारण करवा देंगे। ये कुर्ता ना डबल पार्ट में बना है ताकि इनको पहनाने में आसानी रहे। और यहाँ पर मैं बीच में एक पिन यहाँ पर टक कर दूँगी। एक्चुअली यहाँ पर बटन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इस टाइप के बटन मिले नहीं थे तो मैंने नहीं लगाया था। और यहाँ पर हम उनको पगड़ी बांध देंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब में, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उनको पता ही है कि पगड़ी बांधने से पहले मैं ना यहाँ पर बेस के लिए मोटा वाला कपड़ा लगा देती हूँ, और उसके बाद में ही उनके जो भी मैचिंग के कपड़े हैं उससे मैं उनकी पगड़ी बांधती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह से अलग से पगड़ी जैसे आगे की तरह रहे उस तरह से मैंने बनाया था, तो मैं यहाँ पर वो टक कर रही हूँ। और जो फैब्रिक है राधा रानी का जो लहंगा था ना, उसका जो फैब्रिक है सेम उसी फैब्रिक की मैंने यहाँ पर पट्टी कट कर ली है। बहुत ही लंबी है ये पट्टी, तो इसी से ही हम इनको पगड़ी बांधेंगे। आप अपने हिसाब से अच्छे से पगड़ी बांध सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से पगड़ी बांधने का ट्राई किया है कि एक तरफ जो है वो गोल गोल करके चार पांच लेयर में एक तरफ से कर किया है, और दूसरी तरफ मैंने उनको प्लेन ही रखा है, ताकि एक ही कलर का कपड़ा है, सभी एक ही कपड़े से हमको बनानी है, तो दोनों के दोनों तरफ अच्छा लुक हो जाए। और ये दूसरी वाली पट्टी है वही सेम फैब्रिक की, तो वो भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जो फैब्रिक का हम यहाँ पर पगड़ी बांधते हैं ना, उसका हमें एक ध्यान रखना है कि जो हमने बेस के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया है उसका जो है वो पार्ट यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो विजिबल होगा तो कोई अच्छा लुक नहीं आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा ध्यान रख रही हूँ कि कान्हा जी को कम से कम पिन में अच्छी सी पगड़ी बांध जाए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत ही आसान है पगड़ी बांधना। जैसे जैसे आप श्रृंगार करेंगे ना कान्हा जी का, वैसे वैसे पगड़ी एकदम आसानी से वो बंधवा देंगे। तो ये है उनकी कलंगी, थोड़ी मैंने इसमें फ्रिल वगैरह ज़्यादा रखा है, तो ये कलंगी मैं यहाँ पर बॉल पिन की हेल्प से यहाँ पर लगा दूँगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बहुत सारी कमेंट्स आती है, मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ कि सबकी जो कमेंट्स है उसका मैं आंसर दे पाऊँ। तो पहले ना पगड़ी बांधने से पहले एक्चुअली ये नेकलेस उनको पहना देना था पर्ल वाला, लेकिन मैं पहनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि बाद में पहना देती हूँ। तो कलंगी लगाने से पहले वो मैंने पहना दिया और कलंगी को हटा दिया। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। अगर ऐसे कोई सुझाव हो तो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको पहले कलंगी लगाई, अब इस तरह से मैंने थोड़ा लेस को कट करके बनाया था लेकिन वो सेट नहीं हुआ। फिर मुझे ना ये जो कलंगी लगाई वो उस साइड में पसंद नहीं आई, तो मैंने उसको निकाल दिया और दूसरी साइड लगा दिया। और वैसा होता है कि जब हम श्रृंगार करते हैं ना तो कुछ आइडिया नहीं होता कि पहले से हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे कान्हा जी करवाते हैं वैसे वैसे श्रृंगार हो ही जाता है। लेकिन इस वाले श्रृंगार में कान्हा जी ने बहुत ज़्यादा नखरे नहीं किए, बहुत ही झटपट श्रृंगार करवा दिया था उन्होंने, और बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया था। वो वीडियो जो है रील्स शॉर्ट्स वगैरह सब में मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी बहुत ही पसंद आए आप सब लोगों को। और यहाँ पर एक ब्रॉच जैसा है मेरे पास, तो मैं ये यहाँ पर लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं किया है पगड़ी में, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत सिंपल ही अच्छी लग रही है, क्योंकि कलरफुल है ना तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर सिंपल से उनको कानों में कुंडल धारण करवा देते हैं, और ये है इनका श्री तिलक, वो भी यहाँ पर लगा देंगे।
अब उनकी जो छोटी छोटी है जैसे अंगूठियाँ हो गई, पैरों में तो जैसे पाजेब उनको पहना के ही रखी है, तो अंगूठियाँ हो गई और वो छोटा छोटा जो श्रृंगार होता है वो यहाँ पर धारण करवा देते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी जो होती है ना, उनको मैं एज अ अंगूठी और फिर नाक में नथ होती है वहाँ, उस तरह से मैं राधा रानी और कान्हा जी दोनों को वैसे ही धारण करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। तो जैसे जो नेकलेस वगैरह है वो तो मैं अपने आप भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी आपको जैसे पता है कि मैंने ना ड्रेसेस बनाकर सेल करना स्टार्ट कर दिया है, ऑर्डर से ही प्रभु जी की पोशाकें बनाती हूँ, तो ज़्यादा उतना टाइम नहीं मिलता है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो मैं फिर उनको ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। ये है उनका पटका। तो मैं कुछ इधर उधर करके सेट कर रही थी लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अगर मैं ऐसे करती थी तो उनका जो कुर्ता है उसका लुक पूरा ख़राब हो जा रहा था, तो मैंने इसको बस सिंपल ऐसे ही रहने दिया। और मंदिर में विराजमान करने के बाद मैंने ना जो इनका पटका है वो अच्छे से सेट कर दिया था। और ये है उनकी बांसुरी, ये वाली बांसुरी सबसे, जो मेरी बांसुरी का कलेक्शन है उसमें सबसे जो होती है एकदम सिंपल वाली यही है, तो मैंने यही धारण करवाई है। कोई एक आध वीडियो में ना मैं जो मेरी बांसुरी है बहुत सारी है तो उसका भी मैं आपको कलेक्शन शेयर करूँगी। और ये है उनकी कलंगी, कलंगी अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे सब कुछ आपसे शेयर करना है लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, बट फिर भी मैं मैक्स टू मैक्स ट्राई करूंगी कि आप सबके साथ जो भी कलेक्शन है वो शेयर कर पाऊं। और ये है कान्हा जी का नज़दीक से लुक, तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया है कान्हा जी ने यहाँ पर, आप देख सकते हो कि एकदम सिंपल श्रृंगार है, कुछ भी ज़्यादा हमने उनको नहीं धारण करवाया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर कान्हा जी को आप देख सकते हो, उनकी मुस्कान ज़्यादा ही बढ़ गई है, लाइक बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं मेरे कान्हा जी यहाँ पर। और मैं ना मंदिर में विराजमान करने के बाद किस तरह से सेट किया था वो भी आपको रील्स वगैरह में आपने देखा ही होगा, बाकी जो मैंने इनके थोड़े फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है राधा रानी के साथ बहुत ही सुंदर लुक, बहुत ही सुंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।